नमस्कार, आज मैं आप सभी को PCOD और PCOS से रिलेटेड कुछ प्राणायाम और आसनास बताने वाली हूँ। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो अगर हमें अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करना है या अपनी बीमारी को दूर करना है तो ये हमें अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में शामिल कर लेना चाहिए। सबसे पहले खान पान, तो सबसे पहले ज़रूरी है खान पान को सुधारेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका क्योर होगा। और उसके साथ साथ अगर आप ये करते हैं तो ये पूरी तरह आपके लिए बेनिफिट करेगा। और चलिए सबसे पहले हम बदकुन आसन या बटरफ्लाई पोज करेंगे। बदकुन आसन करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों पैरों को सीधा कर लेना है और एक एक करके उसे हम लेंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे। और हमें ये पैर हाथों को ऐसे फोल्ड कर लेना है और इसको ऐसे करके हमें फ्लिप नहीं करना है बहुत ज़्यादा, हमें स्ट्रेट रहना है जिससे हमारा लोअर एब्डोमिनल एरिया एंगेज हो गया है। तो यहाँ पर जो भी मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं और हमें ब्रीथ इन एक्सरसाइज पे उसे फोकस करना है। इनहेल और एक्सहेल करते हुए मैं आपको करके बताती हूँ कैसे करना है। इनहेल एक्सहेल ऐसे आपको रिपीट करना है 5 से 6 टाइम्स और इसको होल्ड करके रखना है ऐसे। और ये आपके लेग्स को फ्लोर की टूवर्ड्स टच करना है, दोनों लेग्स को स्ट्रेच करके। और याद रहे कि आपका बैक एकदम स्ट्रेट है जिससे आप यहाँ पर फील कर सकें। तो ये सबसे अच्छा आसन है हमारे एक लोअर एब्डोमिनल एरिया को एंगेज करने के लिए। तो हमारे ओपन होते हैं रीजनल एरियाज नॉर्मल। रिक्लाइन बटरफ्लाई पोज। अभी हमें सप्तकुंड बदकुंड आसन करने के लिए अपने पैरों को ऐसे खोल लेना है मैट के टूवर्ड्स और हमें आसमान की तरह टूवर्ड्स लेटना है। आप मेरा हाथ को ध्यान दीजिए कि मैंने अपने हाथों को ऐसे खोल किए हैं और इसको लेके मैं आराम से लेट भी रही हूँ। और वैसे ही जैसे हमने बैठ के किया था बदकुन आसन, वैसे ही अपने पैरों को वैसे ही होल्ड करेंगे और उसको फील करेंगे एब्डोमिनल एरिया को। हाथ हो सके तो अपना राइट हैंड को यहाँ पर हार्ट पे रखें और लेफ्ट हैंड को अपने नेवल पे रखिए और फील करिए स्ट्रेच को। यहाँ पर जो भी लोअर एब्डोमिनल एरिया में एंगेज हो रहे हैं आपके मसल्स तो उसको फील करिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा फील होता है, बहुत बेनिफिट करता है लोअर एब्डोमिनल एरिया से। पेल्विक रीजन भी ओपन अप होता है यहाँ पर इस आसना से। तो इसे बहुत अच्छे से एक ब्रीथ आउट करके अपने सांसों को महसूस करिए और उसे फील करिए। ऐसे ही हमें रिपीट करना है 5 टाइम्स और आप धीरे से इसको करवट लेके आप उठ सकते हैं। और ऐसे ही हमें ये सप्तकुंड बदकुंड आसन करना है। अभी हम उष्ट्रा आसन या कैमल पोज वो करेंगे और इससे बहुत बेनिफिट होगा। हमारे जो ये जो रीजनल एरिया जो पेल्विक रीजन है वो एंगेज होता है। तो हमें अपने घुटनों पे आना है ऐसे, नीज पे कम से कम 6 इंच का गैप होना चाहिए दोनों लेग्स के बीच में। और मैं इस साइड से आपको दिखाती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे करना है। ये अपने लेग्स को ऐसे किया और कोशिश करें कि बैक बेंडिंग करना है ऐसे, हाथों को यहाँ पर कमर पे रखना है हिप्स के पास और ऐसे करके फोल्ड करना है धीरे धीरे ऐसे आना। ये एक हो गया, या तो फिर आप ये पूरा हैंड्स को अपने नीचे ला सकते हैं, हील्स को टच कर सकते हैं। ऐसे स्ट्रेच फील कर सकते हैं। ये करेंगे तो इसके बाद हमें चाइल्ड पोज पे आना है रिलैक्स करने के लिए। ये ज़रूरी है चाइल्ड पोज, यहाँ के मसल्स नॉर्मल हो जाते हैं। चाइल्ड पोज में आने के बाद हमारे मसल्स नॉर्मल हो जाते हैं तो ये भी ज़रूरी है।
तो ये बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पर, और हमारे सारे पेल्विक रीजन ओपन अप हो जाते हैं। चलिए अब मैं आपको चौथा आसन बताने वाली हूँ, शलाभासना आसन या लोटस पोज। इससे हमें हमारी पेट की चर्बी भी कम होती है, और यहाँ पर जो भी मसल्स होते हैं पेट पे वो अगेन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए। तो मकर आसना में हम लेट जाएंगे, अपने चेस्ट के टुवर्ड्स लेटना है, और यहाँ पर सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स करिए, और धीरे धीरे अपने हाथों को यहाँ पर चिन के पास ले आइए, ऐसे चिन के पास लेके आना है, और एक एक करके अपने पैरों को उठाइए, ऐसे वन एंड इसे होल्ड करिए यहाँ पर थोड़ी देर तक, स्ट्रेच करिए, यहाँ पर मसल्स आपके एंगेज हो रहे हैं, कोशिश करिए फिर ऐसे ही दूसरे पैरों के साथ करना है। और ये आप रिपीट कर सकते हैं 20-20 टाइम्स, और यहाँ पर आप कोशिश करिए कि यहाँ पर थाइस के बीच में आप अपने हाथों को ले आइए और चिन पे रखिए, और दोनों पैरों को ऊपर करिए एक साथ, दूर कर सकते हैं आप अपने पैरों को जैसे आपको कंफर्टेबल हो। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है 4 से 5 बार, 20-20 सेकेंड्स तक आप होल्ड करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, और ये बहुत लाभ देता है हमारे पेट की चर्बी को हटाने के लिए। तो ये कोशिश कर सकते हैं कोई भी, और जिन्हें प्रॉब्लम है PCOD और PCOS से रिलेटेड, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा लाभदायक है। चलिए परिसिद्ध पद्मोत्तानासन या वाइड लेग फॉरवर्ड बेंडिंग करके बताएंगे। इसके साथ अगर हम सर्वांगति आसन करते हैं तो वो हमारे लिए और ज़्यादा लाभदायक होता है। तो चलिए मैं आपको करके बताती हूँ। लेग्स को हमें ड्रॉप करना है, पैरों को एकदम स्ट्रेट पूरा जमीन पर टिका के रखना है, और हमें हाथ को ऊपर करके स्ट्रेच करके फॉरवर्ड बेंडिंग करना है। स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, और कोशिश करिए कि अपने हाथों को आप एकदम अच्छे से पैर पे रखें, और यहाँ पर स्ट्रेच करना है। अगर हो सके तो अपने अंगूठे को पकड़ लीजिए, यहाँ पर पहली उंगली को पकड़ना है पैर पे और स्ट्रेच करना चाहिए, ऐसे हमें स्ट्रेचिंग करना है। और सर्वांगति आसन अगर हम इसके साथ करते हैं तो यहाँ से अपने को यहाँ ऊपर लेके जाना है, घुमा के क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह अगर हम आसना करेंगे तो रोज हमें लाभ होगा। थैंक यू।